यहाँ से सूरह यूसुफ का वो हिस्सा है जिसमें वाकया अपने तकमीली मराहिल में पहुंच रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को देकर भेजा कि इसको ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर इसको डाल दो, उनकी बिनाई लौट के आ जाएगी और वो चलने फिरने के लायक हो जाएंगे। इस तरह तुम पूरे घराने को साथ लेकर आ जाओ। रिवायतों में लिखा है, कुर्तुबी ने नकल किया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस कुर्ते के साथ तकरीबन 200 ऊंट से लदा हुआ साजो सामान भेजा ताकि पूरा खानदान आने के लिए इनसे अपना तैयारी का सामान खरीद सके। तकरीबन 93 अशखास मिस्र से हजरत यूसुफ की तरफ चल पड़े, ये सारे सामान के साथ लौट रहे हैं। यहां पर इस कमीज का जिक्र किया है, आम कमीज से तो ऐसी कैफियत जाहिर नहीं होती कि बिना ही लौट के आ जाए। मैंने गुज़िश्ता ये बात बताया था आपसे कि हजरत इब्राहिम को आग में डालने के वक्त जो कमीज फरिश्तों ने पहनाया था जन्नत से आया था, और उस जन्नत के कमीज में यह खूबी थी कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मानो में अमान थी, आग में जलने से बचाया। वो कमीज इब्राहिम के तवस्सुल से इसहाक के पास थी, वहां से याकूब के पास आई और उन्होंने उस ख्वाब के बाद एक नलकी में पिरोकर आपके गले में बतौर ताबीज के डाल दिया था। ये इमाम कुर्तुबी ने बयान किया है, ज़हाक और मुजाहिद की राय है। जिब्रील अमीन ने जब भाइयों ने यूसुफ को नंगा कर दिया और कुर्ता इस वास्ते ले लिया कि दिखा दें उस पर भेड़िए का खून और फरेब करने में आसानी हो कि देखो कुर्ता लेके आए हम, तो वो कुर्ता खोलकर जिब्रील ने पहना दिया था। वो कुर्ता यूसुफ के साथ साथ था। अब ये 40 साल का वक्फा हो गया, एक रिवायत के मुताबिक 80 साल का वक्फा हो गया। वही कुर्ता यूसुफ को, हजरत याकूब को ये मालूम था कि उस कुर्ते में क्या खूबी है, लेकिन आज जिब्रील के कहने से यूसुफ ने वो कुर्ता भेजा कि ये ले जाकर डालो, और जैसे ही वो कुर्ता आपके चेहरे पर पहुंचा खुशबू से पूरा जिस्म मुअत्तर हुआ और बिनाई आपकी आवत करके आ गई। यहां से तस्करा शुरू होता है, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा, ले जाओ मेरी ये कमीज, फालको और इसको डालो, अला वजही अभी मेरे बाप के चेहरे पर, यह अति बसीरा बिनाई लौट के आ जाएगी या वो हो जाएंगे लौटकर आने के लायक। वह अतूनी भी अहलिकुम मजमाइन, और ले आओ तुम सारे घराने वालों को साथ। ये नहीं कहा कि मेरे वालिद को ले आओ, इसलिए कि किसी को लाना या बुलाना बुलाने वाले के मुकाबले में उसका मौकफ कमतर जाहिर करता है, इसलिए अदब का तकाजा था कि इन्होंने सारे घर वालों को बुलाया, क्योंकि बादशाहत को छोड़कर मेरा जाना मुनासिब नहीं है, मेरा यहां पर रहना और कहत के जमाने में खजाने को सही तकसीम करने का मैंने वादा कर रखा है, तुम पूरे घराने को ले आओ। वह अतूनी भी अहलिकुम मजमाइन, यहां हजरत यूसुफ ने कुर्ता देके भेजा, और यहूदा जो बड़ा बेटा था जिसने कहा कि उस कुर्ते में झूठा खून लगाकर मैंने धोखा दिया था, आज मैं यही कुर्ता ले जाकर उनको खुशखबरी भी देना चाहता हूं ताकि उस दिन की मकाफात हो जाए। ये कुर्ता लेकर यहां से निकल रहे हैं, और उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अतराफ में जो लोग थे, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, गांव में थे, ये बादिया कहते हैं गांव को, आगे आए तीसरी रुकू में आ रही है, गांव वालों के सामने कह रहे हैं अगर तुम मुझे ये न कहो कि बुढ़ा बहक गया है और पुरानी दिमाग की खराबी मुबतला हो गया है तो तुमसे मैं साफ कहता हूं कि मुझे यूसुफ के अब्बू महसूस हो रही है। वलम्मा फसलत अल-ईर, और जब काफिला चलने लगा, यानी मिस्र से काफिला जुदा हुआ, वो कमीज लेकर अभी मिस्र से बाहर निकला, और इधर कौला अबूहुम, उनके वालिद ने कहा इन्नी लाजी दुरी है यूसुफ,
बेशक मैं तो अब यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं। लौला अंत फन्निदून, अगर ये बात ना हो कि तुम मुझे कहो कि बुढ़ा भाग गया है, सठिया गया है जिसको बोलते हैं उर्दू में। तुफन्निदून फन्नद के माने आते हैं दिमागी फुतूर में पड़ जाना, यानी बहक गया है, एक बात दिमाग में डाल दिया है, वही बात अभी तक दिमाग में पड़ी हुई है। यहां पर दो बातें हैं, अभी कुर्ता मिस्र में है और ये कनान में है, और वहां से कुर्ते की खुशबू यहां महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये मौजजा है, और मौजजा जिसके हाथ जाहिर होता है उसके इख्तियार में नहीं होता। मौजजा अल्लाह का फेल है, वो जब चाहते हैं बंदे से जाहिर कर देते हैं। यूसुफ जब कनान ही के कुएं में थे करीब तक तो ये खुशबू नहीं आई, लेकिन यूसुफ जब मिलके मिस्र में हैं और आप कनान में हैं और अल्लाह ने चाहा तो वहां से खुशबू उनके कुर्ते की यहां तक पहुंच रही है। ये सिर्फ इसलिए कहा गया कि मौजजात बंदों के हाथ से जाहिर होते हैं लेकिन ये बंदों का फेल नहीं होता, ये फेल अल्लाह का होता है। चुनांचे पीछे ये बहस आ चुकी है सूरह हूद के हवाले से, जब कौम नूह ने हजरत नूह से कहा था तुम अजाब लाना है तो ला लो, बातें बहुत हो गई। कालू या नूह कद अक्सर तजदा लाना, बहस बहुत कर लिया, फातिना भी माता दुना इनकुन तमिन सादिकीन, सच्चे हैं तो अजाब लेके दिखाओ। ये नहीं कहा कि ठीक है बुलाता हूं अभी या लाता हूं अभी या अभी अल्लाह से कहा कि मंगा लेता हूं, यह कहा इन्नमा यातीकुम बिल्लाह इंशा, उसको तो अल्लाह लाएंगे अगर चाहेंगे, इंशा माने अगर चाहेंगे तो तुम्हारा मतलूबा मौजूदा लाएंगे, हम जब चाहें उसको पेश नहीं कर सकते। तो यहां पर यह बात वाज़ह हो गई कि अंबियाए किराम के मौजज़ात अल्लाह के फेल हैं, अल्लाह जब चाहते हैं जाहिर करते हैं। कालू तल्लाह, जो वहां पर लोग मौजूद थे हजरत याकूब के इन लफ्जों को सुनकर कि आपको खुशबू आ रही है वो भी यूसुफ की, यानी आपके ख्याल में यूसुफ को भेड़िया नहीं खाया, अभी वो जिंदा है, ये बाकी बाकी बातें 40 साल पहले की तुम अब तक दोहराए जा रहे हो। कालू तल्लाह, कहने लगे अल्लाह की कसम, देखा कसम खा के कह रहे हैं, इन्नका बेशक अलबत्ता आप लफी गलालिकल कदीम, अलबत्ता उसी खुली गुमराही में है। जलाल के माने गुमराही, यानी किसी के इश्क में दीवानगी और फरेबतगी, पुराना ख्याल, अल कदीम माने पुराना, वही पुराना ख्याल जो आपके दिमाग में था कि यूसुफ आएंगे यूसुफ आएंगे, वही बात तुम दोबारा फिर कह रहे हो, भला कहां यूसुफ आएंगे। अब यह अभी गुफ्तगु चल रही थी और ये सवाल जवाब चल रहा था इसी मरहले में कि हजरत यूसुफ का कुर्ता लेकर उनका बेटा यानी यूसुफ का भाई याकूब का बेटा यहूदा लेकर पहुंचता है। फलम्मा अंजा अल बशीर, बस जब आया बशीर, बशीर माने बशारत लेकर आने वाले को बशीर बोलते हैं, खुशखबरी वाला, असल नाम उसका यहूदा है, बशीर से मुराद बशारत देने वाला। फलम्मा अंजा अल बशीर, बस जब आ गया खुशखबरी लेकर आने वाला, अलकाहु अला वजही, तो डाल दिया उसने अपना कुर्ता आपके चेहरे पर, बस अला वजही आपके चेहरे पर कुर्ते को रख दिया। फरतद्दा, लौट गई बसीरन बिनाई, अल्लाह की शान देखो, ये अल्लाह ने एक कुर्ते के जरिए से बिनाई को लौटा दिया। आज को कहेंगे लोग भला कुर्ते से बिनाई का ताल्लुक क्या है, कुर्ता चेहरे पे आया और बिनाई आ गई। दुनिया वाले असबाब की निगाहों से देखते हैं लेकिन यहां मौजजात की निगाहों से देखना है। मौजजात कहते ही उस अमल को जिसमें बंदा आजिज हो, जहां असबाब का कोई दखल ना हो, जो चीज असबाब के ताबे हो जाए उसको मौजजा नहीं कहते हैं, वो तो दस्तूर है अल्लाह का, चला जा रहा सिलसिला। खाएंगे तो भूख मिटेगी, पानी पिएंगे तो प्यास जाएगी, और धूप में रहेंगे तो धूप की गर्मी आएगी, ये तो असबाब आदिया हैं। लेकिन मौजजा कहते हैं जहां पर आपके सबब का कोई दखल ना हो, बंदे की अकल आजिज हो। उनकी बिनाई लौट गई,
उसूल के दस्तूर के मुताबिक मुजाहिद ने लिखा है तफसीर कुर्तुबी के अंदर कि खुशखबरी देने वाला कुर्ता डालकर जब देखता है कि उनकी बिनाई लौट गई और अपने सामने बेटे यहूदा को देखते हैं कि यहूदा बेटे से कहते हैं तुमसे मैंने पहले कहा था ना, काला अलमा कुल्लकुम, कहा क्या तुमसे मैंने पहले नहीं कहा था, इन्नी आलम मिनल्लाह, कि बेशक मैं जानता हूं अल्लाह की तरफ से, माँ ऐसी ऐसी बातें ला तालमून जिनको तुम नहीं जानते हो। नंबर एक वही के जरिए, नंबर दो उस ख्वाब की ताबीर जिस पर मेरा यकीन था कि ख्वाब अभी ताबीर को नहीं पहुंचा है और वो होकर रहेगा, तुमसे मैंने कहा था जाकर ढूंढो तलाश करो लेकिन तुमने मायूसी जाहिर की थी, बिल आखिर अल्लाह ने यूसुफ के कुर्ते के जरिए से मेरे दिमाग की कैफियत खोल दी, खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया, मेरी बिनाई वापस आ गई। यहीं पर लिखा है बादशाह हिंद ने तो उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ हम तोहफा दें, खुशखबरी सुनाने वाले को तोहफा देना सुन्नत अंबिया है, जब भी कोई अच्छी खबर लेके आए तो आजकल क्या करते हैं भाई तुम मुंह मीठा कर लो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मगर घी शक्कर अब नहीं चलता, अब तो घी का परहेज हो गया और शक्कर का परहेज हो गया, इतनी फिक्र दुनिया की पाल लिया है लोगों ने कि शक्कर का परहेज और इतनी काहली कर लिया है कि घी का परहेज, मेहनत करेंगे तो घी खा सकेंगे और फिक्र से दिमाग खाली होगा तो शक्कर खा सकेंगे, न घी न शक्कर दोनों खाली, मगर वसूल यह है कि जो भी खुशखबरी लाए उसको घी शक्कर नहीं तो मुंह मीठा नहीं तो कुछ न कुछ तोहफतन देना चाहिए, ये अंबिया की सुन्नत। हजरत याकूब ने यही कहा कि तुमको मेरा दिल चाहता है कि मैं इस यूसुफ के कुर्तों की बरकत के हासिल करने के बाद तुम्हें खुश करने के लिए कुछ दे दूं, लेकिन कहत का जमाना है, खुद हमारे घर में 7 दिन से रोटी नहीं पकी, तुम्हें क्या खिलाऊं, क्योंकि पूरे भाई वहीं गए थे तलाश करने के लिए और ये खुद बीना नहीं थे, नाबीना थे, ज़ईफ थे। इस वाक़े को जब 80 साल हो गए एक रिवायत के मुताबिक या 40 साल हो गए एक रिवायत के मुताबिक, तो भला बाप का बुढ़ापा क्या कुछ काम काज के लायक रखा होगा आपको, वाक़या पेश आया था कुएं का तो 7 साल के थे, अब मुलाकात जो होने वाली है तो 40 साल के बाद, तो 40 और 7 कितने हो गए, 47 साल तो ये हो गए, और फिर यूसुफ के वो बाप थे तो बाप बेटे में कम से कम 20 साल का फर्क तो होगा, तो 70 साल का नाबीना आदमी क्या कमाएगा, क्या कमा कर ला सकेगा, इसलिए कहत का जमाना है, घर में फाका है, तो मैं हम कुछ देने का कादिर नहीं, हाँ तुमको हम एक दुआ जरूर देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान मरते वक्त सलामत रखे, अगर दुनिया की हर चीज दे देते तो इतना बड़ा इनाम ना होता, किसी बंदे के लिए सबसे कीमती सरमाया यह है कि उसका खात्मा ईमान पर हो, और किसी के लिए सबसे बदतरीन बद्दुआ यह है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। मुझे दोनों पर वाकयात कसरत से याद आ रहे हैं लेकिन एक एक नमूना पेश करता हूं। एक सहाबी है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी, ये नमाज पढ़ाते रहे, कुछ लोगों ने आकर उनकी शिकायत की कि वो नमाज सही नहीं पढ़ाते और लोगों को जहाद में भेज देते खुद नहीं जाते और माले गनीमत अपने लोगों को बांट देते सबको नहीं देते, ये 3 शिकायतें की थी, तवील किस्सा है बुखारी में दर्ज है देख लीजिएगा कभी। जब उनको इत्तला मिली तो उन्होंने 3 बद्दुआएं की, वही 3 इल्जाम के बदले 3 बद्दुआएं, अल्लाह से कहा या अल्लाह जिन लोगों ने ये गलत बातें हमारी तरफ मंसूब की हैं, नमाज सही ना पढ़ाना, मैं तो कदीमुल इस्लाम हूं, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ा सका तो कौन पढ़ा सकता, कदीमुल इस्लाम यानी कुल उस वक्त मुसलमानों की तादाद 40 से कुछ कम रही होगी जब इस्लाम लाए हैं ये, बड़ा ऐसे कदीमुल इस्लाम सहाबी को कहा नमाज नहीं पढ़ा सकते, सही नहीं पढ़ा रहे, तो हमने बदुआ क्या की, अल्लाहुम्मा अतिल उम्रा व अतिल फकरा व अरिज़ फिल फितन, ऐ अल्लाह इसकी उम्र को लंबा कर दे और इसके फक्र को लंबा कर दे,
और उसको फितनों पर पेश कर दे। तीन बद्दुआ की थी। जनाब आयशा फरमाती हैं कि उन लोगों की उम्रें लंबी हो गईं इसी बद्दुआ से। अतिल उम्र, उम्र लंबी कर दे। उम्र लंबी होना अगर सही सही रास्ते पर है तब तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर उम्र इतनी लंबी हो गई कि अर्जले उम्र तक पहुंच गया तो अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है उस उम्र से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमूरि लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैया। ऐ अल्लाह मैं ऐसी उम्र से जिसको अर्जले उम्र कहते हैं पनाह मांगता हूं कि सब कुछ जान चुकने के बाद अब कुछ जानने के मौकों में नहीं रह गया। बेटे को नहीं पहचानता, बीवी को नहीं पहचानता, तहारत को नहीं जानता पहचानता, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, जमीन पर बोझ है, तीमारदारों पर बोझ है। तो उस शख्स ने बद्दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अतिल उम्रा, इन लोगों की उम्र लंबी कर दो। तो लंबी उम्र करने से नुकसान क्या है, सवाब मिलता। आगे फरमाया वातिल फकरा, और इनके फकर को बढ़ा दो, पूरे के पूरे फकीर। जनाब आयशा फरमाती हैं कि उनकी उम्रें इतनी तवील हो गई थी कि ऊपर की भवें पक गई थी, पलकों की भवें पक गई, और रास्ते में चलते फिरते लड़कियों को उस उम्र में छेड़ते थे। उस उम्र में यह है अर्रिज़ो फिल फितन, फितने में डाल दिया उनको। बूढ़ा शख्स इतने बुढ़ापे में लड़कियों को छेड़ रहा है तो यह उससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है। तो ये तीन बद्दुआएं हैं, तीनों बद्दुआएं में ऐसी बात कही गई, उम्र तवील अर्जले उम्र तक, फक्र इतना तवील कि रास्तों में खड़े मांग रहे हैं, फितना ऐसा कि लड़कियों को बुढ़ापे में छेड़ रहे हैं। अब खात्मा खराब होने में क्या बाकी है। इसके मुकाबिल किसी के लिए बद्दुआ के बजाय दुआ करना कि ईमान पर खात्मा हो जाए, यह सबसे बड़ी दुआ है। इसीलिए हर मोमिन जनाजे को सामने रखकर यही कहता है, ऐ अल्लाह हम में से जिसको हयात हो इस्लाम पर हो और जिसकी मौत हो ईमान पर हो। अल्लाहुम्मा मन हजैतहु मिन्ना फहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। ये हम में से हर एक को दुआ सिखलाया अल्लाह के नबी ने, क्योंकि इससे बड़ी दुआ दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो हजरत कदीम हजरत यूसुफ ने, हजरत यूसुफ के वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे को यह दुआ दी कि तुम्हें हम कुछ नहीं दे सकते लेकिन तुमको हम ये दुआ देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गजवे तबूक में जाने से काब बिन मालिक रह गए थे, तीन लोग रह गए थे, उन तीनों पर मुआखजा हुआ, अल्लाह की तरफ से एताब आया, 50 दिनों तक उनका सोशल बाइकाट किया गया, उन्होंने सुतून से खुद को बांध लिया, फिर तौबा नाजिल हुई और तौबा कबूल हो गई। तो जो बशारत देने आया था दौड़कर, कोई पहाड़ों पर से आवाज लगा रहा था, कोई घोड़े पर चढ़ के दौड़ के आ गया था, वो वाकया पीछे सुन चुके हैं सूरह तौबा में। मुझे सिर्फ दिखाना यह है कि जो पहले पहुंचा खुशखबरी लेकर, हजरत काब ने अपना कुर्ता निकाला और उसको पहना दिया, खुशखबरी सुनाने वाले को अपना कुर्ता पहनाकर उसको एजाज बख्शा। यहां से मालूम होता है कि जब भी कोई खुशखबरी लेकर आए तो उसे कुछ न कुछ इनाम देना या अंबिया की सुन्नत है। यही वहां काब ने इख्तियार किया, यहां यूसुफ ने, यूसुफ के वालिद मोहतरम ने यही कहा। अब जब भाइयों ने देखा कि मेरे वालिद मोहतरम मौजूद हैं, बिनाई लौट गई और हर चीज वाजे हो गई, पूछा यूसुफ कैसे हैं, भाइयों ने कहा आप क्या पूछते हो, तो बादशाह हैं, वजीर खजाना हैं, अब क्या पूछते हो। हजरत याकूब ने कहा मैं ये नहीं पूछता हूं कि दुनिया में वो कितने ठाट बांटते हैं, मैं ये पूछता हूं कि उनका ईमान और इस्लाम कैसा है, उनका अल्लाह से ताल्लुक कैसा वाकई है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो बाप के लिए राहत का सबब है कि उनकी औलाद ये देखे कि मेरा बेटा अल्लाह से जुड़ा हुआ है, उसका ईमान सलामत है, मरने के बाद दोजख में नहीं जाने वाला है बल्कि जन्नत में जाने वाला है, और उसका अमल मेरे खाते में आने वाला है। नाबालिगी से पहले तक का हर अमल बाप और मां के खाते में जाता है, इसलिए बचपन ही से अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। वो जो नमाजें पढ़ेंगे, जो दुआएं पढ़ेंगे, वो सब के सब बाप के खाते में जाएगा और बालिग होने के बाद खाता उनका शुरू होता है। इसलिए फरमाया हजरत यूसुफ के वालिद से उन तमाम भाइयों ने अब समझ लिया कि हम लोग गलती पर थे और यूसुफ हक पर हैं,
और अब तो तमाम बातें राज फाश हो गया। तो सबने गिड़गिड़ाकर अपने बाप से दरख्वास्त की, कालू या अबाना, कहने लगे अरे हमारे बाप, इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों के लिए हमारे लिए इस्तग़फार कर दीजिए, इन्ना कुन्ना खातीन, बेशक हम खताकार हैं, हमको अपनी गलती का एतराफ। हजरत याकूब से क्यों कहा? क्योंकि जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने इन बेटों की खताओं की बख्शिश अल्लाह से चाहेंगे तो इस जिम्न में गोया उन्होंने खुद भी माफ कर दिया, क्योंकि अगर खुद ना माफ करते तो उनके हक में अल्लाह से इस्तग़फार खुद नहीं करते और यूं कहते कि तुम्हारे इस्तग़फार को हमें क्या गरज पड़ी है, तुमको तो हम भी नहीं माफ करेंगे, अल्लाह क्या माफ करेगा। मगर ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जैसे ही उन्होंने नदामत का इजहार किया, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने की दरख्वास्त की, हजरत याकूब ने इसको कबूल कर लिया, लेकिन वादा किया फौरन दुआ खत्म नहीं उठाए, दो वजहों से। कालू या अबान इस्तग़फिर लना, कहने लगे आए हमारे बाप, इस्तग़फिर लना, हमारे लिए इस्तग़फार कीजिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों पर, इन्ना कुन्ना खातीईन, बेशक हम खताकार थे, हमारी खता जाहिर हो गई है, दुआए मग़फ़िरत कर दीजिए। काला सौफा अस्तग़फिर लकुम, काला उन्होंने कहा अन करीब तुम्हारे लिए अपने रब से मैं इस्तग़फार करूंगा, अब कर रहा हूं नहीं। अस्तग़फिरु से पहले सौफा है और सौफा हमेशा मुजारे पे आता है और मुजारे कहते हैं जिसमें हाल मुस्तकबिल दोनों पाए जाए, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पाए जाए। अन करीब तुम्हारे लिए अपने रब से मैं इस्तग़फार करूंगा, अभी क्यों नहीं कर दिया? लिखते हैं दो वजह बताई गई है। एक वजह तो ये कि भाई ये तो गलती तुमने मेरे साथ जितना की है वो तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन तुमने जो जुल्म किया है अपने भाई यूसुफ पर, मैं पहले उससे पूछ लूं कि उसने माफ किया कि माफ नहीं किया। अगर वो माफ ना करेगा जबकि उसका हक है और वो मजलूम है और तुम जालिम है, ये हुकूकुल इबाद में से है, जब तक वो मजलूम बंदा माफ ना कर दे तब तक मैं सिफारिश करने का हकदार कैसे हो गया? यहां से बात वाज़े हो गई कि अल्लाह ताला हर खता को माफ कर देते हैं, लेकिन किसी बंदे का हक अगर है तो उस बंदे का माफ करना जरूरी है। कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाते हैं तो अपने पास से उसको भी देकर खुश कर देते हैं ताकि वह अपना हक मांगना ही भूल जाए, ऐसा होता है। लेकिन बिलउमूम रास्ता यही है कि जब तक वो बंदा ना माफ कर दे अल्लाह माफ नहीं करते। चुनांचे यहां वाज़े किया, सौफा अन करीब अस्तग़फिर लकुम, तुम्हारे वास्ते मैं इस्तग़फार करूंगा रब्बी, अपने परवरदिगार से, यानी यूसुफ से मिलूंगा और उसकी राय जाहिर होगी कि उसने भी माफ कर दिया है तो मैं तुमको माफ कर दूंगा और रब से इस्तग़फार करूंगा। दूसरा कौल है कि आम वक्तों में दुआ करने के मुकाबले में जो तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी हिस्सा, जिसमें दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, बहुत जल्दी कबूल होती है। चुनांचे इस्लाम में भी यही कानून है, दुआ जल्दी कब कबूल होती है? अगर ना मालूम हो तो सुन लो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी से, ऐ अल्लाह के नबी, अय्युद दुआ असरा, कौन सी दुआ जल्दी चढ़ती है अल्लाह के पास? असरा के माने सुरात के साथ पहुंच जाती है, इधर निकली उधर पहुंची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा का यह सवाल बताता है कि उनमें तलब थी कि हमारी दुआएं जल्दी पहुंचे अल्लाह के पास। फरमाया बाद सलातिल मक्तूबा, फर्ज नमाज के बाद, और जौफिल लैलिल आखर, रात के आखिरी हिस्से में, इससे मुराद रात का आखिरी छठा हिस्सा है, यानी तहज्जुद का वक्त। रात के छह हिस्से करो, आखिर का जो एक बटा छह है वो हिस्सा है जिसको अल्लाह ने खुद कहा है वस्तग़फिरीन बिल असहार, सहर के वक्त में इस्तग़फार करने वाले, वही मुराद है। तो हजरत याकूब ने यह वादा किया कि ठीक है
मैं बहुत जल्द तुम्हारे वास्ते इस्तिग़फ़ार करूंगा, यानी वक्त तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करूंगा ताकि तुम्हारी दुआ जल्दी पहुंचे और रद्द होने के बजाय कबूल हो जाए। क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला बंदों की तरफ नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं, यानी मुतवज्जे होते हैं। यूं तो अल्लाह हर तरफ है, हमेशा है, हर जगह है, लेकिन ये तवज्जो मफजूल करना उनकी शान के मुताबिक है। कौन सा बंदा रिज्क का तालिब है, कौन सा बंदा मगफरत चाहता है, कौन सा बंदा मुसीबत से हाजत से राहत चाहता है, हर एक बंदे की तरह मुतवज्जे होते हैं। इसलिए दूसरा कौल यह है कि तहज्जुद के वक्त में दुआ करने का वादा फरमाया। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो मगफरत वाला रहम करने वाला है। बात खत्म हो गई। किस्सा मुख्तसर कर दिया कुरान ने यहां पर कि सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास चलने के लिए तैयार हो गए, पूरा काफिला चला। एक रिवायत के मुताबिक 93 आदमियों का काफिला बना जो कनान से मुल्क मिस्र जा रहा है, 93 लोगों का मजमा। आपने देखा यही 93 कनान से मिस्र में जा रहे हैं। और ये जब जमाना हजरत यूसुफ के बाद मूसा का आएगा तो यही 93 अशखास बढ़ते 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 हजरत मूसा के साथ जब मुल्क मिस्र से निकले हैं फिरौन के शर से बचने के लिए, तो इनकी तादाद 6 लाख हो गई थी, 6 लाख। और मकामे ती में जो भटकते रहे 40 साल तक 6 मील के रकबे में, यही छह लाख का मजमा था, 6 लाख का मजमा। तो ये अल्लाह की तरफ से इनकी तादाद में बरकत है कि 93 आदमियों का यह मजमा जो कनान से मिस्र पहुंचता है, ये बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई तादाद में। जब पूरा काफिला पहुंचता है मुल्क मिस्र में दाखिल होता है, इधर इस्तकबाल में हजरत यूसुफ बनफ्स नफीस खुद आकर हाजिर हैं और आपके साथ घोड़े घोड़सवार और शाहाना इस्तकबाल। पूरा मुल्क मिस्र मुतवज्जे है कि आज बादशाह के घर वाले आ रहे हैं। फलम्मा दखलु वला यूसुफ आवा इलैहि अबवैह, बस जब दाखिल हुए वो सब के सब यूसुफ पर, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ठिकाना दिया अपनी तरफ। किसको? अबवैह, अपने माँ बाप को आवा ठिकाना दिया, इलैही अपने तरफ, अबवैह तस्निया है, अबवैन अब वाहिद है, अबवैन तस्निया है, इसमें इजाफत की बिना पर जब ही लगाए तो नून गिर गया, अबवैन और ही लगाए तो नून गिर जाता, इजाफत का नून गिर जाता है, अबवैह अपने माँ बाप को पनाह दिया। यहां आपके जहन में अगर होगा, हाफिजे में बात महफूज होगी तो याद होगा, पहले कहा गया था कि बिन्यामीन की पैदाइश पर ही उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, लिहाजा यूसुफ की माँ तो नहीं है, सिर्फ वालिदे मोहतरम है, तो यहां अबवैन क्यों कहा, माँ बाप कहां से आए? दूसरा कौल यह है कि हजरत यूसुफ की वालदा का जब इंतकाल हो गया तो हजरत याकूब ने उन्हीं की दूसरी बहन से, गोया यूसुफ की खाला से जिनका नाम राहील है, उनसे निकाह कर लिया था। और खाला भी बमंजिले माँ के होती है, और अगर ये खाला नहीं होती, दूसरी औरत है हजरत याकूब की, तो बाप की बीवी तो माँ ही होती है, इस लिहाज से भी माँ होती है। लेकिन तीसरा यह कौल है कि हजरत यूसुफ की वालदा का इंतकाल होना कतई रिवायत से साबित नहीं है। इमाम इब्ने कसीर और कुर्तुबी कहते हैं यहां आगे जो लफ्ज आ रहा है अबवैह का, ये सरीह बता रहा है कि माँ बाप दाखिल हो रहे हैं, ये आय से साबित हो रहा है, और इंतकाल होना इसराइली रिवायत से साबित होता है, लिहाजा इसराइली रिवायतों के सामने आयत को तरजीह दी जाएगी और उनके मरने के कौल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये इब्ने कसीर की और कुर्तुबी की राय है। बहरहाल आवा इलैहि अबवैह, माँ बाप को ठिकाना बख्शा, ये घर में दाखिल हुए, वकाल और कहा उनसे उदखुलु दाखिल हो जाओ मिस्र इस शहर में, मिस्र कहते हैं शहर को और इस शहर का नाम भी मिस्र ही इत्तेफाक से है, जैसे मदीना के माने शहर और मदीना खुद शहर का नाम है। इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, आमिनीन अमन के साथ। ये क्यों कहा?
आमतौर से लोग जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां अजनबियत होती है, ठहरने के कानून, मुआहदा, क्या क्या तय होता है, उन तमाम की वजह से काफी दिक्कत होती है। आज भी जब हाजी जाता है एयरपोर्ट पे, सब हो चुकने के बावजूद 24 घंटा एयरपोर्ट पे पड़ा रह जाता है खारिज चेकिंग में, आज भी, जबकि हाजी का इकराम होता है, मेहमान है, रहमान का मेहमान है, सब है, हर चीज चेक होके जाती है, फिर भी 24 घंटे पड़ा रहता है। क्यों? एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए कानून हमेशा से रहे हैं। यहां इशारा उसी की तरफ है कि कोई अजनबियत नहीं, किसी किस्म से कोई तकलीफ नहीं, इंशाअल्लाह अमन से दाखिल हो जाइए, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह पूरे अमन के साथ शाहाना इस्तकबाल में हजरत यूसुफ के वालिद मोहतरम और वो 11 भाई पूरे सब के सब आपके सामने पहुंचे। जब यूसुफ का जमाल, जो खुद एक अल्लाह की तरफ से अजीम इनाम है कि इतना हसीन और जमील चेहरा, सारे आलम के हुस्न का आधा एक चेहरे पर हुस्न है, फिर बादशाहत का रोब, फिर उन तमाम को अपने जरायम याद आ रहे थे, इस तरह से बेसाख्ता सब के सब सजदे में गिर गए। सजदे में जब गिर गए तो हजरत यूसुफ ने कहा, अय मेरे माँ बाप, यही ख्वाब की ताबीर थी जो अल्लाह ने आज पूरी कर दिया। 40 साल के बाद इस ख्वाब की ताबीर पूरी हो रही है। इसी से अखज किया है कि ख्वाब शाम में देखा और सुबह तलाश करते हैं ताबीर कब पूरी होगी, ऐसा नहीं है। ताबीर सच्चे ख्वाब की बहरहाल पूरी होगी, लेकिन उसकी लिमिट नहीं है कि शाम में देखा सुबह हो गई। उसकी मिसाल मैं दे दूं, चाहे वो ख्वाब आपका हो चाहे किसी और का हो, ये तो खुद नबी हैं। हजरत यूसुफ का ख्वाब 40 साल में ताबीर पूरी हो रही है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखा था जिसके बारे में सूरह फतह नाजिल हुई कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूं, उस ख्वाब की बुनियाद पर नियत कर लिया, 1400 सहाबा को साथ लेकर चल दिया, जब मकाम हुदैबिया आया तो कुफार ने रोक दिया, कहा इस साल उमरा आप नहीं कर सकते, मुआहदा हुआ। तफसीली बात सूरह फतह में देख लीजिए आप, मुआहदा में क्या तय हुआ, अगले साल आइए, हथियार के बगैर आइए, 3 दिन में वापस जाइए, सब शर्तें मंजूर हैं तो आइए। उस मौके पर हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या आपने ये ख्वाब नहीं देखा कि हम हरम का तवाफ कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ठंडा करने के लिए इतना कहा, क्या मैंने ख्वाब में यह भी कहा था कि इसी साल कर रहे हैं, इसी साल कर रहे हैं, क्या मैंने कहा यह ख्वाब में? मतलब यह हुआ कि हम कर रहे हैं तो जरूर करेंगे, लेकिन इसी साल करने की कोई शर्त नहीं है। चुनांचे सन हुदैबिया उस साल नहीं हुआ उमरा, बल्कि सन 7 हिजरी में हुआ, जिसका नाम है उमरतुल कजा, एक साल के बाद हुआ। खुद नबी के ख्वाब की ताबीर एक साल के बाद हो रही है और यूसुफ के ख्वाब की ताबीर 40 साल के बाद हो रही है, तो फिर हमको भी सवाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्या भाई, मैंने ख्वाब देखा था, मुर साहब के पास गया, उन्होंने ताबीर बता दिया, ऐसा बता दिया ताबीर, वो आज भी नहीं हो रहा, कल भी नहीं हुआ, महीना गुजर गया, 6 महीना गुजर गया, बेसब्री है ये। हदीस में आता है, जो बंदों से बयान करते फिरता है ये बेसब्रा, और जो सिर्फ अल्लाह के सामने शिकवा रखता है, किसी से कुछ नहीं कहता, ये शुक्रगुजार और साबिर। और जन्नत की नेमतें किसको मिलती हैं? साबिरीन को। वजज़ाहुम बिमा सबरू, वजज़ाहुम बिमा सबरू, हमने उनको बदला दिया है उनके सब्र की वजह से। तो सब्र करना बहुत अहमियत का हामिल है। खुलासा क्या हुआ? वरफा अबवैह, और ऊंचे मकाम पर, तख्त शाही पर बिठाया। भाई माँ और बाप का इकराम उन्होंने ये किया कि बादशाहत के तख्त पर अपने माँ बाप को बिठाया। यहां से मालूम हुआ कि माँ बाप को अपने से बड़ा बनाकर बिठाना, चाहे तुम बादशाह ही क्यों ना हो गए हो, तुम्हारे मकाम में कितना ही तरक्की आ जाए, लेकिन तुम अपने बाप से छोटे ही रहोगे, इसलिए तुम उनको ऊंचे मकाम पर बिठाओ, इकराम करना है। वरफा अबवैहि, और बुलंद मकाम पर बिठाया अपने माँ बाप को, अलल अर्श, तख्त पर। ये तख्त से मुराद तख्त शाही है। वखर्रू लहू सुज्जदा, और सबके सब गिर गए उनके लिए सजदे में। खर्रू, गिर गए।
लहू उनके लिए सुजदा सजदे में। यहां पर रुककर दो बातें होती हैं, क्या हजरत यूसुफ के लिए सजदा था या यह सजदा सजदे शुक्र था अल्लाह के सामने। पहला कौल यह है कि दर हकीकत यह सजदा सजदे शुक्र था अल्लाह के सामने था कि चलो पूरे के पूरे बेटे जिंदा हैं, माँ बाप बिछड़े थे इकट्ठा हैं, दुश्मनी पैदा हो गई थी और सबने एक दूसरे की अजमत का एतराफ कर लिया, इस तरह से सबने सजदा किया है अल्लाह को और सजदे ताजीमी नहीं है बल्कि सजदे शुक्र है। यहां तो कोई इश्काल नहीं है, कोई कलामी नहीं है, माना जा सकता है। रहा सवाल लफ्ज लहू का, उनके लिए गिर गए सजदा करते हुए, उनके लिए मतलब उनकी खिदमत उनके दर्जे को एतराफ करते हुए गिरे, लेकिन गिरे अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह का क्या उन्होंने। जैसे मिसाल के तौर पर आप गिरते हैं बैतुल्लाह के सामने, आपकी नमाजें कहां होती हैं, बैतुल्लाह के सामने। हर हाजी अपना सजदा करता है बैतुल्लाह की दीवार के सामने, यहां से सिमत और वहां से आयने दीवार, वहां के लिए सिमत काफी नहीं है, वहां जो इंसान सजदा करेगा वो ठीक दीवार की महाजात में करेगा और यहां से उस सिमत में किया तो काफी है। तो क्या ये सजदा उस दीवार के लिए है नऊज बिल्ला? नहीं, उस दीवार के लिए सजदा नहीं है, उस दीवार की तरफ सजदा है अल्लाह का। चुनांचे एक मजदूर ने बड़ी प्यारी बात कही है, हाजियों है हमको घर वाले से काम, घर के मेहराबो सुतों से क्या गरज, हम तो घर वाले के वास्ते आए। चुनांचे हजरत उमर का फरमान वाज़े है कि अगर अल्लाह के रसूल ने बोसा ना लिया होता तो ऐ पत्थर तुझको मैं बोसा कभी ना लेता, तुझको मेरा बोसा इसलिए नहीं है कि तू नफा नुकसान का मालिक है, इसलिए है कि मेरे हबीब ने तुझको होंठ लगाया है। मताबियात नबवी। तो बस बंदा सजदा अल्लाह को करता है ये सजदे शुक्र है, लेकिन यूसुफ के लिए सजदे शुक्र है, यानी यूसुफ के खिदमात, यूसुफ की तहम्मुल और सब्र और यूसुफ का ये मकाम का एतराफ करते हुए सजदा अल्लाह को कर दिया तो सजदा शुक्र है, इसमें कोई कलामी नहीं है। एक कौल तो यही है, बहुत से शारहीन लिखते हैं इसको। दूसरा कौल काबिल एतराज होता है, दूसरा कौल ये है कि सजदा सजदा ताजीमी है, सजदा ताजीमी और सजदा ताबुदी दो सजदे होते हैं। सजदा ताबुदी का मतलब इबादत और ताजीमी का मतलब किसी की बड़ाई का इजहार, किसी की बड़ाई का एतराफ। शरीयत मोहम्मदिया के अंदर न सजदे ताजीमी जायज है न ताबुदी, दोनों जायज नहीं है, लेकिन साबिका उम्मतों में सजदे ताबुदी हराम था, सजदे ताजीमी जायज था। क्यों? उसकी दो वजह। हजरत आदम से लेकर सैयदुल अंबिया तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो हालात के एतबार से बदलती रहीं, क्योंकि हर नबी का खित्ता जमाना अलग अलग होता था, एक जमाने में कई कई नबी होते थे, लेकिन अब अल्लाह ने सारे आलम को एक मुट्ठी में कर दिया है। यहां रहते हुए आदमी अमेरिका से बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, मीडिया करीब हो गया। तो अल्लाह तआला ने इस उम्मत के लिए कई कई जगहों का नबी एक ही बना दिया, बल्कि सारे आलम का एक ही नबी है, अब कयामत तक कोई नबी नहीं, किसी खित्ते का कोई नबी नहीं। उस जमाने में कई कई खित्तों के कई कई नबी होते थे। हजरत आदम के जमाने में एक ही बाप और एक ही मां, अगर सगी बेटी और सगी बेटे से निकाह ना हो तो आदम की औलाद में निकाह किससे हो और कैसे हो? इसलिए आदम के बेटे का निकाह आदम की बेटी से जायज था, आज हराम है वो। आज सगी बेटी और सगी बेटा, सगा बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जायज नहीं है, लेकिन आदम के जमाने में दूसरा कौन था? आदम ही का बेटा और आदम ही की बेटी। इसी वास्ते तो हाबील काबील का वाकया पेश आया जो सूरह मायदा में सुन चुके हैं आप,
काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। क्यों? अब सगे बेटे का बेटी से निकाह दुरुस्त नहीं है। ठीक ऐसे ही उस जमाने में अजमत के लिए, एतराफ खिदमात के लिए लोग झुक कर सलाम करते थे, सजदा करते थे, फर्शी सलाम मारते थे। उस जमाने में वो जायज था। खुद हजरत मुआज इब्ने जबल को जब मुल्क शाम में भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफीर बनाकर, तो वहां पर देखा उन्होंने कि बड़े बड़े लोग किसरा और कसर को सजदा करते हैं। जब हजरत मुआज तशरीफ लाए मुल्क शाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वही ताबुदी सजदा करना चाहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और कहा तुम मुझे सजदा नहीं कर सकते। और यूं फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो औरतों को देता कि शौहरों को सजदा कर लें, मगर मैंने यह भी नहीं दिया। लौ कुंतु आमुरु लियाहदिन अन यसजुद लियाहदिन लअमरतु निसाअ अन यसजुदन लिअज़वाजिहिन। उसके बाद फरमाया ये सजदा सबबे शिर्क है, हमारे पास शिर्क का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। उम्मत मोहम्मदिया में चूंकि अब कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा शिर्क भी हराम और शिर्क के असबाब भी हराम, जना भी हराम, जना के असबाब भी हराम। वला तक़रबुज़ ज़िना का, जना के करीब भी मत जाओ। पहले जना के करीब जाने का मतलब क्या होता? आंखों से गैर मुहरम को देखना, ये पहले नहीं था, अब शुरू हुआ। मालूम क्या हुआ? इस उम्मत के लिए सबब भी हराम कर दिया, जो सबब हुरमत हो वो भी हराम। तो सजदे ताजीमी और ताबुदी दोनों इस उम्मत के वास्ते हलाल नहीं है। लिहाजा जब हजरत मुआज हुजूर को सजदा नहीं कर सकते, इन्हीं सहाबी नबी को सजदा नहीं कर सकते, तो फिर किसी उम्मती को क्या हक पहुंचता है कि वो अपना सजदा किसी से करवाए और दलील में इस आयत को पेश करे। ये तो उस उम्मत का वाकया है जिस उम्मत के दरमियान सजदे ताजीमी जायज था, ताबुदी हराम था। इस उम्मत में मुस्तफा ने सबको हराम कर दिया। उसकी मिसाल दिया था मैंने सूरह फातिहा के दर्स में, ताजा कर लीजिए। किसी की किराने की स्टोर की दुकान है, साबुन की दुकान है, और बेटा साबुन खरीदने जा रहा है दूसरी दुकान पे, तो देखने वाले क्या समझेंगे? या तो बेटे की बाप से बनती ही नहीं, ये तो बेटे की बाप से बनती ही नहीं, और या बाप की दुकान में साबुन की टिकिया मौजूद नहीं, तीसरी कोई बात हो सकती? अब अगर कोई नबी का चाहने वाला शरीयत मुस्तफा को छोड़कर सजदे ताजीमी की दलील जाए यूसुफ की शरीयत तलाश करने के लिए, तो क्या कहा जाएगा? या तो मुस्तफा से इनकी बनती नहीं, और या इनके मसले का हल मुस्तफा की शरीयत में मौजूद नहीं। मुस्तफा की शरीयत में हल मौजूद नहीं तो शरीयत नाकिस, और कुरान कहता है अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नियामती, मैंने दीन की शक्ल में नियामत मुकम्मल कर दी है। इसमें नफ्स का इल्जाम अल्लाह पर इल्जाम देगा, और मुस्तफा से अनबन हो गई तो फिर इश्क किसका हो रहा है? इसलिए ये दोनों कौल बातिल हैं। इस उम्मत में न सजदे ताजीमी है न ताबुदी है, और इस आयत से इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि साबिका उम्मतों में बहुत सी चीजें थी जिनको इस शरीयत में मनसूख कर दिया है, और जब तक मनसूख करने की दलील न हो तब तक तमाम शरीयतों के सारे अहकाम करना जायज है। रोजा है, नमाज है, जकात है, जिक्र है, तिलावत है, सबके यहां था, आपके यहां भी है, चलता रहेगा ये। तो सबने सजदा में सजदे ताजीमी किया, अल्लाह के वास्ते किया तो कोई मरहला नहीं, और ताजीमी किया तो वहां दुरुस्त था। وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل, और कहने लगे ऐ मेरे प्यारे बाप, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। तअवील बमाना ताबीर, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो मैंने इससे पहले ख्वाब बचपन में देखा था। قد جعلها ربي حقا, तहकीक के उस ख्वाब को मेरे रब ने सच कर दिखाया, मेरा ख्वाब ताबीर हो गया। وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم।
یہ آیت نمبر 100 میں بہت غور کرنا، بہت. ہمارے پاس جب کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے اور بعد میں راحت آ جاتی ہے تو راحت کے زمانے میں بھی اس تکلیف کی باتیں کرتا رہتا، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ. راحت کے دنوں میں راحت کی بات کرنا، شکر کرنا اور ان غموں کو یاد نہیں کرنا. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ایک دوست نے ہمیشہ دوستی کی، ہمیشہ اچھا سلوک کیا، ایک بار کبھی آپ کو تکلیف ہو گئی، پھر بعد میں اس تکلیف کو ازالہ کر دیا اور راحت ہی راحت پہنچ گئی ہمیشہ آپ کو، پھر بھی اس دوست کے سامنے آپ کیا کرتے ہیں، وہ ایک تکلیف کا ذکر بار بار کرتے ہیں، تو خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا وہ؟ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کنویں میں اللہ نے گرنے کے بعد بچا لیا، کنویں کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے خواب کو سچا کر دکھایا، میرے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا جب مجھے قید خانے سے باہر کر دیا، اور آپ سب کو گاؤں سے دیہات سے شہر بلا لیا، اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑے کو نکال کر دوستی پیدا کر دیا. تین باتیں ہیں، ایک بھائیوں کے درمیان ناچاکی، ایک قید خانہ، اور ایک سب لوگوں کا بکھرنے کے بعد اکٹھا ہو جانا. تین چیزیں. اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ کنویں میں سے مجھے اللہ نے نکال کر تخت پر بٹھایا، اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب خوشی کا ماحول ہے، پورے بھائی سجدے میں ہیں، اطراف خدمات میں ہیں. اب ایسے موقع پر شکوے سنانا شروع کرنا، ہم میں سے کوئی ملتا کرے تو گھنٹوں روتا، اماں یہ ہو گیا تھا، ابا وہ ہو گیا تھا، خود بھی روتا ان کو بھی رولاتا. لیکن یوسف نے بھائیوں کو چونکہ معاف کر دیا تھا، اور معافی کے بعد جس غلطی کو معاف کر چکے ہیں اس کا چرچا کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اب اس کا ذکر تک نہیں کیا، کیونکہ معافی کے خلاف ہے. میں نے آپ کی غلطی معاف کر دی، پھر اس دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے تکلیف پہنچتی ہے. تو دو باتیں عرض کرنا ہے، کسی بھی خراب مرحلے کو معاف کرنے کے بعد چرچے میں لانا نہیں چاہیے، یعنی خراب چیز کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، اس میں جو شکر کا پہلو ہے اس کو نکال کر اللہ کا شاکر بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھو کیسا یوسف نے کہا، وقد احسن بی، اور میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، میرے ساتھ احسان کیا. کب؟ اذ اخرجنی من السجن، جب مجھ کو نکالا قید خانے سے. قید خانے کا ذکر آیا لیکن یہ احسان کے ساتھ آیا کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے نکال کر مجھ پر احسان کیا. قید خانے کا ذکر بھی آ گیا اور احسان کا تذکرہ بھی آ گیا، اس میں بھی شکر کا پہلو آ گیا. وجاء بكم، اور لایا تم سب کو، من البدوی، گاؤں سے. بدوی کیا ہے؟ ہمارے عربی میں بدو بولتے ہیں، بدو کہتے ہیں گاؤں کا دیہاتی بگڑ، بدو. بدو بادیا مانے جنگل، جہاں تہذیب نہ ہو، معاش کے وسائل کم ہوں، پڑھائی اور تعلیم کا مشغلہ بہت پیچیدہ ہو، یعنی جس کو ہم بیک ورڈ کہا دیتے ہیں وہ بدو ہے، بدوی. یہاں حضرت یوسف کے موقع پر صاف اعلان کیا، وجاء بكم من البدوی، اور آپ پورے گھرانے کو، 93 افراد کو گاؤں سے شہر منتقل کر دیا. صاحب جلالین علامہ سیوطی نے اس موقع پر حاشیے میں ایک حدیث نقل کی، وہ حدیث جب پڑھتا ہوں تو میرا دل کھل جاتا. جب کسی بندے کے ساتھ اللہ خیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کو گاؤں سے شہر منتقل کر دیتے ہیں. ہاں، من یرید اللہ بھی خیرن، جس طرح یفقہ فی الدین کے الفاظ ہیں ویسے یہاں بھی ہیں، من یرید اللہ بھی خیرن، اللہ جس طرح خیر کا فیصلہ کرتے ہیں اسے گاؤں سے شہر منتقل کر دیتے ہیں. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور آپ کو اطلاع ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی تو طائف میں گئے، وہ بھی شہر تھا، وہاں جب پناہ نہیں ملی تو پھر مدینے گئے، وہ بھی شہر تھا. ان تین جگہوں کے علاوہ کسی اور مقام کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ خود امام بخاری بخارا اور سمرقند چھوڑ کر نکلے تو شہروں کا انتخاب کیا؟ جتنے بھی محدثین ہیں، امام مسلم ہوں، ترمذی ہوں، سب نے شہروں کا انتخاب کیا ہے.
क्योंकि शहरों में वसायल हैं, इनसे लोगों की खिदमत का फायदा ज्यादा होता है। और इस आयत ने तो वाजह कर दिया, चुनांचे यही वाकया है जो तसल्ली का सामान फराहम करता है। बड़े बड़े उलमा को आप देखेंगे तो गांव और खेड़े के हैं, बड़े बड़े उलमा, हिंदुस्तान के बड़े नाम वर उलमा, उनके आप नाम लीजिए तो गांव के रहेंगे वो। खुद बंदा भी बहुत बड़े गांव का है, बहुत पुराना गांव, उस तारीख में उस जमीन पर मैं पहला हाफिज हूं, मुझसे पहले वहां कोई हाफिज नहीं गुजरा। अब सोचो आप, बहुत पुराना गांव, तो गांव वालों का शहर में लाना, बंदा समझता हम खुद आए, ये गलत है। कोई खुद नहीं आता, ये सब अल्लाह के फैसले हैं। कहते हैं रिज्क पहले जाता, बंदा बाद में पीछे आता। यहां पर अल्लाह ने रिज्क भेजा है, और ये कुर्बानियां मां बाप की होती हैं। अपनी अकलौती औलाद को बोर्डिंग में डाल के आलिम कोर्स और हाफिज कोर्स कराकर उम्मत के हवाले कर देना, ताकि तुम अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहो, ये उनकी कुर्बानियां हैं। अगर बंदे दुआ ना भी करें तो भी उनकी तरफ खुद ब खुद अजर पहुंचता रहेगा, क्योंकि उनका यह अमल खुद फर्ज किफाया है। जितने लोगों तक खैर पहुंचता रहेगा और जितने लोग हिदायत पर आते रहेंगे, ये सवाब खुद मां बाप को पहुंचता रहता है। तो अर्ज ये करना है कि हजरत यूसुफ के वालदैन भी गांव से आए। लिखा है मुफस्सिर ने कि हजरत याकूब किसी गांव में थे, कनान के किसी गांव में थे, जहां पर माश की सहूलतें नहीं थी। इसी वास्ते हजरत यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया अल्लाह का, वजा बिकुम मिनल बदवी, और अल्लाह का शुक्र है जिसने तुमको गांव से शहर मुंतकिल कर दिया, और सब के सब खुशी खुशी इकट्ठा हो गए। और आगे फरमाया मिन बादी अन नज़ग शैतान, बाद इसके कि शैतान ने झगड़ा डाल दिया था। नज़गा कचोके लगाना, दो भाइयों को बिखेर देना। जब बच्चा पैदा होता है तो कानी उंगली से बच्चे की कोख में शैतान कचोके मारता है, उसको नज़गुन कहा जाता है। ये है नज़ग। दो भाई, दस भाई, एक बाप के बेटे हैं, सब वहां खुश होना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बात को बहाना बनाकर दोनों में टकरा देना, ये क्या है? ये नज़्ग है, दिल में चुभन डाल देना। यूसुफ कहते हैं झगड़ा भाइयों के दरमियान हो चुका था, बैनी व बैना इख्वती, मेरे मेरे भाइयों के दरमियान, लेकिन मेरा परवरदिगार का मुझ पर एहसान है कि भाइयों को इस झगड़े के बावजूद उनके दिल में मेरी अजमत डाल दिया, और मेरे दिल में उनका इकराम डालकर उनको माफी का मौका दे दिया। इन्ना रब्बी लतीफ, मेरा रब बहुत लतीफ है, बहुत उम्दा तदबीर करता है, लिमा यशा, जिसके वास्ते वो चाहता है, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो इल्म हिकमत वाला है। अल्लाह अलीम है और अल्लाह हकीम है, उसी हिकमत का तकाजा ये है। इस एक आयत नंबर 100 में तीन बातें हमें अच्छी तरह मालूम हुई कि मुसीबतें कितनी भी आए उसमें शुक्र का पहलू निकालकर बात करना चाहिए। नंबर 2, अगर गांव से शहर में आकर रहने का मौका मिले तो आने में अपने आयश की फिक्र करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करके मवाने खैर को तलाश करना, मौके खैर को तलाश करना, और खैर को खूब फैलाने की कोशिश करना। और अगर झगड़ा फसाद भाइयों में ना इत्तेफाकी हो जाए, छोटी छोटी बातों पर, अक्सर दुनिया की खातिर होता है, तो दुनिया और दुनिया के फायदे सब छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन भाई भाई महशर में फिर खड़े होंगे, वहां हिसाब व किताब होगा। तो दुनिया की खातिर, दुनिया के आर्जी मफाद की खातिर अपने ताल्लुकात को जाया न करना, बल्कि ताल्लुकात को तरजीह देना, जिस तरह यूसुफ ने तरजीह दी है। बादशाहत में ताकत की कमी थी, ताकत तो बहुत अच्छी है, इंतकाम पर पूरी कुदरत थी, लेकिन यही बहादुर सही बहादुर है कि इंतकाम की ताकत रखता हो फिर भी छोटी छोटी बातों को माफ करे। दुनिया के हर मसायब अदना है आखिरत के मुकाबले, इसलिए उनको माफ करते हुए अल्लाह का शाकिर बंदा बने। मेरा रब बहुत लतीफ मेहरबान है, और वो जानने वाला हिकमतों वाला है। उसके बाद हजरत यूसुफ बंदों की तरफ से सीधा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। अपने वालिद से और अपने भाइयों से हम कलाम होते होते उनको तमाम पैगाम सुना दिया। अब इस खुशखबरी पर और इस शुक्रिया को बराह रास्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआओं में लग गए। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क, मेरे परवरदिगार
मुझे आपने दे दिया है बादशाहत। وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ और सिखलाया है मुझको ख्वाबों की ताबीर। ये फन है, ख्वाबों की ताबीर का फन मुझको आपने सिखला दिया। فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی، تو ہی ہے میرا کارساز۔ سنا آپ نے، انت ولی، تو ہی ہے میرا کارساز۔ ایک نبی اللہ کو اس طرح مخاطب کرتا ہے، انت ولی، کارساز میرا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے والد بھی تو پیغمبر تھے، اپنے ابا کو بولتے کارساز تو ہے؟ نہیں، یہ پیغمبر اپنے اللہ کو ہی کارساز سمجھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ہر بندے کو اللہ سے ایسا ہی مخاطب ہونا چاہیے کہ میرے ہر کام کا کارساز تو ہی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو کارساز اور آخر میں تو کارساز۔ دعاؤں کا آخری حصہ ہے، توفنی مسلمہ، مجھے وفات دیجئے مسلمان بنا کر۔ اطاعت گزار، فرما بردار، آپ کا حکم بجا لانے والا بنا کر۔ توفنی مسلمن، مجھے آپ مسلمان بنا کر موت دیجئے، یعنی فرما برداری کی حالت میں موت آئے، نافرمانی کا موقع نہ آئے۔ والحقنی بالصالحین، اور شامل کر دیجئے مجھ کو صالحین کے ساتھ۔ صالحین سے مراد کاملین، جو بہت نیک ہوں، بہت کامل ہوں اور درجہ کمال رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ہمیں شامل کر دیجئے۔ انہیں نبی بنایا ہے تو نبیوں میں باقی رکھیے، یہ اشارہ ہے۔ اس دعا کا یہ جز ہمیں رٹنا چاہیے، خاص طور سے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف کی دعا ہے۔ اور اسی الفاظ سے ملتی جلتی ہے دعا حضرت سلیمان کی، وہ بھی بادشاہ تھے، یہ بھی بادشاہ، یہی دعا ہے۔ اور وہ بھی بادشاہ اور پیغمبر ہے سلیمان، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَأَلْحِقْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے فضل و کرم سے آپ کے صالحین بندوں میں ہم کو داخل کر لیجئے۔ سلیمان وہ کہتے ہیں، یوسف یہ کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو صالحین میں شامل فرما۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد، اب اگلی آیت میں واقعہ مکمل ختم ہو چکنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے کہ آپ کو فارغ مکہ سے مخاطب ہو کر پوچھئے کہ یہ پورا واقعہ آپ پہلے جانتے تھے، کیا مکہ میں کوئی جاننے والا ہے؟ اتنا تفصیل سے خواب کو، اتنے تفصیل سے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد، سید الانبیاء کی نبوت کو اب تو تسلیم کر لو۔ یہ نمونہ نتیجہ آیت نمبر 102 سے لے کر انشاءاللہ ختم سورت تک آ رہا ہے۔